अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? आज मैं बना रही हूँ पिज़्ज़ा डो। तो उसके लिए सबसे पहले अज़ा बताती हूँ। मेरे पास ये 2.5 कप मैदा है, 1 टेबलस्पून ईस्टर्न ईस्ट है, 1 टीस्पून पिसी हुई शुगर, 1/2 टीस्पून नमक, 3 टेबलस्पून मेल्टेड बटर और हसबे ज़रूरत नीम गर्म पानी। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंपली सबसे पहले मैदा शामिल करूंगी। मैदा शामिल किया, 1 टेबलस्पून ईस्ट शामिल करेंगे, 1 टीस्पून पिसी हुई शुगर, 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून नमक अच्छे से इसको मिक्स करूंगी। ताकि तमाम अज्जा अच्छे से मिक्स हो जाए। आप इसे घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। व्यूवर्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। पानी शामिल करेंगे। मिक्स कर लूंगी पहले। और शामिल करेंगे नरम से डो तैयार करेंगे। अब मैं हाथों की मदद से अच्छे से इसको गूंद लूंगी। थोड़ा सा और पानी शामिल करूंगी। अब मैं इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट अच्छे से गूंद लूंगी। हाथ से मैंने अच्छे से ये देखे थोड़ा थोड़ा पानी लगाकर इसको इस तरह अच्छे से भून लिया। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, ये देखिए हाथों की मदद से मैंने डो को अच्छे से गूंद के तैयार कर लिया। अब मैं इसमें मक्खन शामिल करूंगी। अच्छे से इसमें हाथों की मदद से अच्छे से इसमें मक्खन शामिल कर दूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, इस तरह हाथों की मदद से
मैंने तमाम बटर को अच्छे से मिक्स कर लिया और ये देखें सोर से मैंने डो यानी कि तैयार कर ली। अब मैं इसको एक अलग से बाउल में निकालूंगी, निकाल के इसको राइज होने के लिए रख दूंगी। ये बाउल है, इसको मैंने पहले से ग्रीस कर लिया। देखिए कितनी माशाल्लाह से सॉफ्ट डो हमारी तैयार हुई है। अब मैं इसको कवर कर दूंगी, कवर करके तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए इसको राइज होने के लिए रूम टेम्परेचर पर रख दूंगी। और अब मैं इसको कवर कर दूंगी और इसको मैं राइज होने के लिए रखती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, ये देखें हमारी जो डो है वो राइज होकर डबल क्वांटिटी में हो चुकी है। अब मैं इसकी यानी कि पिज़्ज़ा डो बेलूंगी, तो चलें अब मैं इसको बेलती हूँ अच्छे से। हल्का सा मैदा डस्ट किया, थोड़ा सा मज़ीद इसको और सेट किया। अच्छे से इसको गोल फॉर्म में बनाऊंगी, तैयार कर लूंगी। इसी तरह हाथों की मदद से इसको गोल सा तैयार कर लूंगी। गोल गोल बेलने के बाद हाथों की मदद से मैं इसको थोड़ा सा फैला लूंगी। मैदा डस्ट करूंगी, साइड को मैंने टर्न कर लिया, ऊपर भी थोड़ा सा फिर मैदा डस्ट करूंगी। अब अच्छे से बेलन की मदद से बेल लूंगी। ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा बारीक, इक्वल ही मैंने इसको बेलना है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, पिज़्ज़ा डो को मैंने अच्छे से बेला। ये देखिए आप, ये कितनी अच्छी डो तैयार हुई है। अब मैं इसको पैन में रखूँगी। पिज़्ज़ा पैन को मैंने अच्छे से ग्रीस कर लिया। अब सिंपली डो को उठाकर अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह पिज़्ज़ा डो अच्छे से तैयार होगी। हाथों की मदद से मैंने इसको यू किनारों में अच्छे से फोल्ड कर लिया। अब ये पिज़्ज़ा डो बिल्कुल तैयार है। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह ने चाहा तो नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।